पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वर और वधु यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सेनापति जी और राजकुमारी जी से अनुरोध करेंगे कि एक साथ मेहंदी पीसकर रस्म का शुभारंभ करें। सेनापति सम्राट से तो मुझे मार के जिंदा नहीं बचेगा। सेनापति सम्राट से तो मुझे मार के जिंदा नहीं बचेगा। सेनापति जी। हाँ, क्या हुआ आपका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरा अंत निकट है सेनापति। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मेरा फोन और स्पीकर कनेक्टेड है। मैं यहां बोलूंगा, तुझे वहां सुनाई देगा। आवाज कम रखी है तो सिर्फ तुझे सुनाई देगा। झेल सके तो झेल। मुझे मारकर तू तारा के साथ चैन से नहीं रह पाएगा सेनापति। तेरी आत्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। राजकुमारी जी, आपको किसी प्रकार की कोई वाणी सुनाई दे रही है क्या जी? हाँ, आपकी। क्यों सेनापति जी, आप ठीक हैं? जी जी, ऐसे हमें कोई भ्रांति हुई होगी। सेनापति जी, आप बहुत विचलित लग रहे हैं, आप ठीक हैं? बस चुप कर अब। सेनापति जी, महारानी है ये, आप ऐसे इस तरह से बात नहीं कर सकते इनसे। क्षमा महारानी जी, हम आपसे नहीं कह रहे थे। सेनापति जी, आप इस प्रकार किस पर क्रोधित हो रहे हैं? तारू पर? नहीं, हम स्वयं पर क्रोधित हो रहे थे। तो आप स्वयं से कह रहे थे कि चुप हो जाओ? हाँ। कभी कभी हम सभी मन ही मन स्वयं से बातें करते हैं, तो सेनापति जी भी अपने मन को शांत कर रहे होंगे ताकि मेहंदी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। जी सेनापति जी, हमें आपका स्वास्थ्य को ठीक नहीं लग रहा है, आप ठीक तो हैं? बोल दे महाराज को कि तू ठीक नहीं है। बोल दे तुझे मेरा भूत दिखता है। बोल, मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं तुझे। नहीं, चुप,
हट कर चुप। अरे सेनापति जी, क्या हुआ है आपको? आप इतना चीख क्यों रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। सर में दर्द हो रहा है, ले एक और। बता दे महाराज को कि तुझे मेरी आत्मा ने पकड़ लिया है। बता दे कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बता दे कि मैं तुझे तारा से शादी नहीं करने दूंगा। बता दे कि ये मेहंदी तूने लगाई तो हल्दी की तरह ये भी मेरे खून के लाल रंग में रंग जाएंगे। ये भ्रांति है, हमें भ्रमित कर रहा है। ये सत्य नहीं, ये मिट। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपके सर का दर्द और बढ़ने वाला है सेनापति जी, तैयार रहिए। जय हो, शुभ हो। महाराज, आपको सेनापति का बर्ताव कुछ विचित्र नहीं लगा? महारानी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। उस दिन हल्दी की रस्म भी अधूरी रह गई थी और आज मेहंदी की रस्म में यूं अधूरा छोड़कर चले गए। कुछ अजीब ही कर रहे थे, स्वयं से बातें कर रहे थे, फिर स्वयं को ही चुप करा रहे थे। हमें इनकी मनोस्थिति सही नहीं लगती महाराज। हम तारू का विवाह करा रहे हैं इनसे। हमें तो तारू के भविष्य की चिंता हो रही है। शक्ल देखी, इतना आनंद हुआ मैं उन्हें भयभीत करके। तारा, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? देखो, मैंने तुम्हारी मेहंदी वाली रस्म खराब कर दी। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों गुस्सा होंगे? उल्टा हमने तो बड़े चाव से मेहंदी भी बनवा ली, देखिए। अच्छा, सही है। वैसे बहुत खुश हो तुम अपनी इस मेहंदी से? क्यों, तुम्हें ये रचना अच्छी नहीं लगी? ठीक है, कुछ ज्यादा भी खास नहीं है। मैं चलता हूँ। किंतु इतना कोमल स्वरूप है, हमें तो बहुत अद्भुत लगा। देखिए ना, आपको क्यों नहीं अच्छा लगा? अच्छा ठीक है ना यार, मैंने देख लिया ना, अब क्या क्लोजअप में दिखाऊंगी? राजकुमारी तारा प्रिया जी, अगर आपको इतनी ही अच्छी लग रही है आपके हाथों में लगी हुई ये मेहंदी, तो आप खुद ही नहीं हारिए ना। मुझसे क्यों पूछ रही हो? अजीब हो। किंतु चिकित्सक ध्रुव, बोलो। तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें हमें सच में बहुत अच्छी लगी। देखिए ना, रंग भी कितना अच्छा चढ़ा है। राजकुमारी तारा प्रिया जी, मैंने ना कहीं से सुना था मेहंदी का रंग गहरा तब होता है जब प्यार गहरा हो। पर उस सेनापति सम्राट सिंह से तुम प्यार व्यार करने लगे हो क्या? अगर अगर करने लगे हो तो कोई वैसे इशू नहीं है। करने तो लगे हैं। ठीक है, करती रहो फिर। किंतु अब क्या हुआ? सेनापति जी से नहीं, उस व्यक्ति से जिसके नाम की मेहंदी इतनी गहरी रची है। मतलब
तारा। ध्रुव और तारा कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।